नमस्कार, आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम नारियल और सूजी का एक लड्डू बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है और उसके बाद मैं जो ग्रेटेड कोकोनट है उसे डालकर उसे कुछ समय के लिए फ्राई करूँगी। हमें इसे लो फ्लेम में ही फ्राई करना है, नहीं तो वो जल जाएगा। यहाँ मैंने 50 ग्राम चीनी लिया है, उसे डालकर उसे भी नारियल के साथ अच्छे से मिला रही हूँ। थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल के इन सबको अच्छे से मिलाऊंगी। इलायची पाउडर से इसका स्मेल थोड़ा अच्छा आएगा। अब हम इसमें सूजी डालेंगे। जितना हम चीनी लिया है उतना ही सूजी डालना है हमें। सूजी डालने के बाद इसका कलर लाइट ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है और आपके पास है तो आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अब हमारा सूजी का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे और इसका लड्डू बनाएंगे। इसे हम गरम गरम के टाइम में ही लड्डू बनाना है, ठंडा हो जाएगा तो ये बाइंडिंग अच्छे से नहीं होगा। इसी तरह से हमें सारी लड्डू बनाना है। सारी लड्डू तैयार हो गया है। आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए और कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी हमारे चैनल में नए हैं वो भी सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल का आइकन है उसे भी दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।